टीनेज में मेरा काफी फोकस जो हमारी बेसिक ड्राइव्स होती है ना, खाना, सोना और सेक्स, इनकी ओर था। अब इसमें से दो तो रोज पूरी हो जाती हैं और तीसरी ने भी देर सवेर पूरा हो ही जाना था। और अब जब ये तीनों पूरी हो गई ना, तब भी मेरे अंदर एक असंतुष्टि थी। और इसके काफी बाद मुझे समझ में आया कि एक और ड्राइव है जिसको पूरा कैसे करना है ये बताना तो छोड़िए, कोई इस ड्राइव के बारे में बात भी नहीं करता। और ये ड्राइव है ड्राइव टू क्रिएट, ड्राइव टू इम्पैक्ट आर एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे आसपास एक बदलाव लाना। अब मान लीजिए आपको भूख तो लगती है पर आपको ये नहीं पता कि ये खाना खाने से मिटेगी, आपको नींद तो आ रही है पर आपको ये नहीं पता कि ये सोने से पूरी होगी, तो आप कितना झल्ला जाएंगे, कितना असंतुष्ट महसूस करेंगे। ठीक इसी तरह जब ये ड्राइव टू क्रिएट पूरी नहीं होती तब भी हम बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो जाते हैं। अब होता गया है ना तो हमें इस ड्राइव के बारे में पता है और ना इसको कैसे सेटिस्फाई करना है इस बारे में, तो जो हमारी अनचैनल्ड एनर्जी होती है ना, जो ये नकारात्मक तरीके से बाहर आती है, हम गाड़ी तेज चलाएंगे, हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, शराब पियेंगे, या ये हमें अंदर ही अंदर जलाती है, एंग्स देती है, एक आक्रोश दे देती है, या तड़पाती है, परप्लेक्स कर देती है, या ये हमें निराश कर देती है। तो मेरे लिए ये ड्राइव टू क्रिएट तब नहीं पूरी हुई जब मैं पैसा कमा रहा था, ये तब नहीं पूरी हुई जब मैं पैसा खर्च कर रहा था, ये तब जाके पूरी हुई जब मुझे जीवन जीने का एक ऐसा मुद्दा मिला जो मेरी खुद की ज़रूरतों से बड़ा था। मेरे लिए ये मुद्दा था उनकी मदद करना जो खुद की मदद नहीं कर सकते। हो सकता है आपके लिए ये मुद्दा फ़र्क हो पर मुझे ये ज़रूर पता है कि ये ड्राइव टू क्रिएट तभी सेटिस्फाई होगी जब ये मुद्दा हमारे घर परिवार और हमारी निजी ज़रूरतों से बड़ा हो।